शुरुआत करते हैं एक फिक्शनल सिनेरियो से। मान लीजिए आरव नाम का लड़का है, नौकरी करता है, महीने के 30 तारीख को तनख्वाह आती है 20,000 रुपये। अब तनख्वाह तो एक है, लेकिन आरव के घर का बजट 3 टाइप का हो सकता है। सिचुएशन एक, तनख्वाह आई 20,000 रुपये, महीने का खर्च 15,000 रुपये, इसे कहा जाएगा बजट सरप्लस। दूसरी सिचुएशन, तनख्वाह 20,000 रुपये, खर्चा भी 20,000 रुपये, बैलेंस बजट। इन दोनों मामलों में पहली स्थिति बेहतर है, लेकिन काम दोनों में चल ही जाता है। दिक्कत आती है तीसरी सिचुएशन में, तनख्वाह 20,000 रुपये लेकिन खर्चा हो गया 22,000 रुपये। आरव जैसे आम आदमी के लिए इस हालात को कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, लेकिन जब देश की बात आती है तो इसके लिए एक टेक्निकल शब्द इस्तेमाल होता है, बजट डेफिसिट या फिस्कल बजट। चाहे आरव हो या देश की सरकार, ऐसी सिचुएशन में दो ही रास्ते होते हैं, आप कमाई बढ़ाइए, सरकार को कमाई बढ़ानी होगी तो टैक्स बढ़ाएगी, या फिर आप कर्ज लीजिए। अब आरव तो अपने दोस्तों से कर्ज ले सकता है या नई नौकरी खोजकर कमाई बढ़ा सकता है, लेकिन सरकार के पास ये ऑप्शन नहीं होते। डेफिसिट से निपटने के लिए सरकार चंद रास्ते अपना सकती है, टैक्स में बढ़ोतरी, सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर या कर्ज लेकर। 23 जुलाई को नई सरकार का पहला बजट पेश होने वाला है, मोदी 3.0 का। सो आने वाले दिनों में बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट से जुड़े ये मसले बार बार सुनाई देंगे। बजट के दिन फाइनेंस एक्सपर्ट्स को सुनेंगे तो कई बार बातें पेचीदा हो जाएंगी, इसलिए आज आसान भाषा में आपको बताते हैं सरकार की इनकम टैक्स के जरिए कितनी कमाई होती है, सरकार पर कितना कर्ज है, ज्यादा कर्ज की वजह से सरकार को किन बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और कर्ज का टैक्स से इनवर्स रिलेशन क्यों होता है। आज के एपिसोड में जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को सरल तरीके से समझाने वाली हमारी रोजाना की सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं सरकार की आमदनी कैसे होती है और इसमें टैक्स के जरिए सरकार की कितनी कमाई होती है। सरकार दो तरह से कमाई करती है, एक है रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू राजस्व। रिसीट से मतलब यहाँ पर आय या इनकम से है, यानी सरकार का जो काम है टैक्स को उगाहना, उससे उसकी कितनी आय होती है। इनकम टैक्स एक उदाहरण हुआ इस चीज़ का। दूसरा हो गया कैपिटल रिसीट, कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी या किसी संपत्ति से होने वाली इनकम, जैसे सरकारी कंपनी के शेयर बेचने से सरकार कमा सकती है पैसे। एक एक करके दोनों को डिटेल में समझते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? ये वो इनकम है जिस पर सरकार की कोई देनदारी नहीं होती। जैसे सरकार आपसे इनकम टैक्स लेती है, मगर इस पैसे के बदले सरकार की आपके प्रति कोई देनदारी नहीं होती है, फाइनेंशियल देनदारी नहीं होती है। सरकार कभी भी ये कहकर आपसे इनकम टैक्स नहीं लेती कि आपने जो टैक्स दिया उससे आप ही के घर के सामने सड़क बनेगी। इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा ये सरकार तय करती है। हो सकता है सरकार आपके टैक्स के पैसे से अपने कर्मचारियों को सैलरी दे। दूसरी बात यह है कि इस इनकम से सरकार की संपत्ति कम नहीं होती, यानी ये पैसा किसी संपत्ति को बेचकर नहीं जुटाया जाता। अब ये रेवेन्यू रिसीट्स भी दो तरह की होती हैं, एक टैक्स रेवेन्यू जैसे इनकम टैक्स, बड़ी कंपनियों पर लगने वाला कॉरपोरेट टैक्स और GST। अब सवाल ये कि सरकार टैक्स के जरिए कितना कमा लेती है। साल 2021-22 से लेकर 2024-25 के बीच का आंकड़ा देखें तो कॉरपोरेट टैक्स से होने वाली कमाई 7,00,000 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2024-25 के अंतरिम बजट में 10,42,000 करोड़ रुपए हो गई। लोगों की इनकम पर लगने वाले टैक्स जैसे इनकम टैक्स सेस आदि को मिलाकर साल 2021-22 में सरकार ने करीब 7,00,000 करोड़ कमाए, जो साल 2024-25 तक 11,50,000 करोड़ से ज़्यादा हो गए। वहीं GST से होने वाली कमाई भी इसी समय में 7,00,000 करोड़ से बढ़कर 10,67,000 करोड़ हो गई। यानी एक चीज़ पर आप गौर करेंगे, इनकम टैक्स और सेस से जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादा वैल्यू का है। अगर एक चीज़ पर आप गौर कर सकते हैं चाहे तो, कि इनकम टैक्स से जो कमाई हो रही है वो कॉर्पोरेट टैक्स और GST से होने वाला जो रिसीट है उसकी तुलना में ज़्यादा नज़र आता है। अगर इन तीनों टैक्स की कुल राजस्व आमदनी में हिस्सेदारी देखेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स और GST की हिस्सेदारी 32-35% के बीच है, जबकि इनकम पर लगने वाले टैक्स से हुई कमाई की हिस्सेदारी 32-39% के बीच है। कुल मिलाकर कहें तो अकेले इन तीनों सोर्सेस से सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा आ जाता है। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू के अलावा एक और सोर्स होता है जिन्हें नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। क्या है? इनमें फीस और इंटरेस्ट से होने वाली इनकम आती है, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कर्ज देती है।
उसके बदले केंद्र सरकार को ब्याज मिलता है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में गिना जाता है। शुरुआत में हमने आमदनी के दो तरीकों की बात की थी, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का लेखा जोखा हमने देख लिया, अब कैपिटल रिसीट्स पर हम आ रहे हैं। कैपिटल रिसीट्स ऐसी इनकम होती है जिसके बदले या तो सरकार की देनदारी बनती है या फिर सरकार की संपत्ति में कमी आती है, यानी सरकार अपने कुछ संपत्ति को बेचकर कमाई करती है। मिसाल के तौर पर सरकार जो भी कर्ज लेती है वो कैपिटल रिसीट्स का हिस्सा होता है और ये कर्ज ऑब्वियसली सरकार को चुकाना भी पड़ता है, सूद देना पड़ता है। दूसरा तरीका है सरकारी कंपनियों का निजीकरण, यानी सरकारी कंपनियों को खुले बाजार में बेचना, जैसे हाल ही में एयर इंडिया को बेच दिया गया। इस तरह से सरकार की संपत्ति कम होती है। हमने समझ लिया कि सरकार कहां कहां से कमाई करती है, अब जानते हैं कि खर्च कहां होता है। जैसे सरकार की आमदनी भी दो तरीकों से होती है, वैसे ही खर्च भी दो तरीके का होता है। सरकार के खर्च के बारे में हमने एक और एपिसोड में आपको बताया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे, कैसे कुछ तरह के खर्च इकोनॉमी को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाते हैं। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हालांकि इस बारे में ब्रीफ में हम यहां भी बता रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खर्चा सरकार रोजमर्रा के कामों पर करती है, सैलरी देती है, पेंशन देती है, बहुत सारी स्कीम्स जैसे राशन वगैरह की चलाती है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो सरकार किसी संपत्ति को बनाने में लगाती है उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हाईवे बनाने में होने वाला खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। हमने आपको शुरू में बताया कि डेफिसिट की स्थिति तब बनती है जब पैसा जरूरत से कम हो, यानी आमदनी कम हो रही हो और खर्च उससे ज्यादा। आमतौर पर हम सभी जिंदगी में इस स्थिति से दो चार होते ही हैं, सरकार भी होती है। बस फर्क इतना है कि हमारा डेफिसिट कुछ हजार रुपयों का हो सकता है और सरकार का लाखों करोड़ों रुपए का होता है। हम अपने घाटे को भले ही कैजुअली ले लें, सरकार नहीं ले सकती। अपने हर घाटे को वो अलग अलग कैटेगरी में बांट कर रखती है, माने कौन सा घाटा किस वजह से हो रहा है। ये कैटेगरीज हैं फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, इनको भी डिटेल में समझते हैं। पहले फिस्कल डेफिसिट, यानी एक साल के टोटल खर्च और आमदनी के बीच का फर्क। उदाहरण से समझिए आप, साल 2023-24 में सरकार की कुल आमदनी सिर्फ 27,20,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन खर्च 45,00,000 करोड़ से भी ज्यादा था, यानी 17,80,000 करोड़ की कमी। यही फिस्कल डेफिसिट है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। सरकार इन आंकड़ों को संख्या में कभी नहीं बताती है, अपनी सरकारें इस घाटे को हमेशा जीडीपी के परसेंट में बताती हैं। इस वजह से हमें यह घाटा सुनने में कम लगता है, जैसे 17,00,000 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है, मगर जीडीपी के परसेंट में ये सिर्फ 5.9% बैठता है। लेकिन जिस तरह से आपकी आमदनी और आपकी सारी संपत्ति के दाम, जैसे घर, एफडी वगैरह बराबर नहीं होते, दोनों के बीच काफी गैप होता है, वैसे ही जीडीपी और बजट बराबर नहीं है। देश की जीडीपी जहां 301,00,000 करोड़ के करीब है, वहीं बजट में आमदनी सिर्फ 27,00,000 करोड़ है। हिसाब लगाएंगे तो पता चलेगा कि आमदनी के मुकाबले ये डेफिसिट 65% है। थोड़ा और बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण की मदद लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आमदनी 1,000 रुपए है, लेकिन उसका खर्च 1,650 रुपए है, उसने 650 यानी अपनी इनकम का 65% कर दिया। ये हाल अभी सरकार का है। अब अगले महीने फिर से उसका खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा है, तो क्या वो पिछला कर्ज चुकाने की स्थिति में होगा? जवाब है नहीं। अब वो कर्ज लेकर कर्ज चुकाएगा। ऐसा ही हाल सरकार का भी है, वो भी कर्ज लेकर पिछले कर्ज चुकाती है। उदाहरण के बाद अब आंकड़ों पर आ जाइए। साल 2019-20 में सरकार की आमदनी 17,50,000 करोड़ रुपए और डेफिसिट 9,00,000 करोड़ से ज्यादा था। साल 2020-21 में आमदनी सिर्फ 15,50,000 करोड़ हुई और डेफिसिट आमदनी से भी ज्यादा था। 21-22 में आमदनी 21,00,000 करोड़, डेफिसिट 15,00,000 करोड़। 22-23 में आमदनी 24,00,000 करोड़ और डेफिसिट 16.6 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट समझने के बाद अब हम आ रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट में। हमने जाना था कि रेवेन्यू रिसीट यानी टैक्स जैसी चीजों से होने वाली इनकम जिसमें सरकार की देनदारी नहीं है, ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोजमर्रा के कामों का खर्च, जैसे सैलरी, पेंशन या सरकारी स्कीम्स। रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो कहलाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। अगर खर्च ज्यादा है तो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। भारत सरकार का बजट रेवेन्यू डेफिसिट में है, यानी सरकार कर्ज लेकर रोजमर्रा के काम निपटा रही है। इसके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। घर में बजट डेफिसिट हो तो ये हमेशा खराब होता है, लेकिन देश के मामले में चीजें इतनी सिंपल नहीं है। हो सकता है कि डेफिसिट एक नेसेसरी इविल हो।
नेसेसरी यानी ज़रूरी और ईविल यानी बुराई। सरकार के कानून और कई कमेटीज़ के सुझाव ये कहते हैं कि कुछ हद तक फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है। जैसे इनकी माने तो फिस्कल डेफिसिट अगर जीडीपी के 2.5 से 3% के करीब रहे तो बात ठीक है और रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी के 0.8% के करीब तक ठीक माना जाएगा। इसकी वजह क्या है? सरकार को कई सारी ज़रूरत की स्कीम्स जैसे आवास योजना, बुज़ुर्गों को पेंशन देना वगैरह ऐसे खर्च करने पड़ते हैं। सरकार इस गैप को भर सकती है पर इससे लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। आमतौर पर डेफिसिट की भरपाई के लिए सरकार कर्ज लेती है। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा जिसकी मार आम आदमी पर ही अंततः गत्पा पड़ेगी। डेफिसिट के मामले में अंत में आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से सरकार के बजट अधिकतम समय इसी सिचुएशन में रहा है चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो। और सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई और देश मसलन अमेरिका और चीन भी डेफिसिट को ही मेंटेन करते हैं। बस ज़रूरी है कि डेफिसिट सीमा में रहे, मात्रा का ध्यान रखें। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। ये एपिसोड आकाश ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।